हैदराबाद का रामोजी राव फिल्म स्टूडियो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेट फिल्म प्रोडक्शन प्लेस है। क्या आप जानते हैं कि इसके फाउंडर रामोजी राव ने कैसे इस स्टूडियो को खड़ा किया और कैसे वो भारत के सबसे बड़े मीडिया मुगल बन गए? रामोजी राव कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है। जी हाँ, रामोजी राव दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो परिसर यानी रामोजी फिल्म सिटी के मालिक थे। बाहुबली से लेकर चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों की शूटिंग यहीं पर हुई है। हर साल यहाँ 300 फिल्म तक की शूटिंग होती है। बीते 8 जून को सिनेमा जगत में जब शोक की लहर छा गई, तब फिल्म मुगल रामोजी राव के निधन की खबर आई। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के मालिक यानी रामोजी राव अब हमारे बीच नहीं है। साल 1996 में रामोजी राव ने हैदराबाद के पास रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना की, जो आज 2000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम दर्ज है। रामोजी फिल्म सिटी में कई विशाल फिल्म सेट, साउंड स्टेज और अन्य मनोरंजन विकल्प शामिल है। पिछले कुछ सालों में ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के साथ साथ फिल्म निर्माण का केंद्र भी बन गया। कहा जाता है कि फिल्म मेकर यहाँ सिर्फ स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और बनी हुई फिल्म लेकर वापस जाते हैं। अब तक यहाँ करीब 2000 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, लेकिन रामोजी राव के फिल्म प्रोड्यूसर या मीडिया मुगल बनने की कहानी काफी अलग तरह से शुरू हुई। साल था 1974, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार के प्रति लोगों में रोष बढ़ रहा था। उसी समय आंध्र प्रदेश के लोगों के घर पर एक नया तेलुगु अखबार इनाइडू पहुंचना शुरू हुआ। इसकी अनोखी पेशकश, डिजाइन और आसान भाषा ने लोगों का ध्यान खींचा। इतना ही नहीं, इस अखबार की हेडलाइन ही अपने आप में सुर्खियां बन गई। रामोजी राव का बिजनेस सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने औषधे एंटरप्राइजेस के तहत प्रिया आचार और सोमा फूड ड्रिंक जैसे बिजनेस भी खड़े किए। प्रियाचार भी इनाइडू की तरह आंध्र प्रदेश के हर घर का हिस्सा बन गया। जैसे कि रामोजी राव एक ऐसी फिल्म सिटी बनाना चाहते थे जहां फिल्म बनाने से जुड़ी सारी फैसिलिटी मौजूद हो। दरअसल वो इसे हॉलीवुड का देसी विकल्प बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हैदराबाद को चुना और पहले वहां फिल्मों के सेट बनने शुरू हुए। बाद में इस थीम पर पार्क और वन स्टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने का काम किया। रामोजी राव ने फिल्म सिटी को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितीश रॉय को दी। 1997 में यहां तेलुगु फिल्म माँ नानकु पेल्ली की शूटिंग हुई, जो यहां शूट हुई पहली फिल्म थी। अब तक करीब यहां 2500 से ज्यादा फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। इस तरह अपना कारोबार खड़ा करने वाले रामोजी राव की टोटल नेटवर्थ 2021 में करीब 4.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 37,584 करोड़ रुपए की आंकी गई थी।